स्किल डेवलपमेंट मिशन ने लॉन्च किया है, कुशल युवा प्रोग्राम के जरिए इनको ज्यादा से ज्यादा स्किल्स उपलब्ध कराए और उसके साथ साथ अन्य स्किल्स भी उपलब्ध कराए। और संध्या ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा कि लड़के लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और लड़कियां टेलरिंग सीखना चाहती है, तो ये जो जेंडर्ड या स्टीरियोटाइप्स है, जेंडर्ड स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में चला गया है कि लड़कियां तो सिलाई कटाई सीखेगी, लड़का तो कंप्यूटर सीखेगी, ये गलत बात है। लड़कियों को भी कंप्यूटर सीखने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उस तरह के माहौल बनाने की जरूरत है कि ये इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, सभी लोग सभी शिक्षा ग्रहण करें, खास करके महिलाएं भी साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, ये सब पढ़ना चाहिए, तो तभी हम लोग ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है उसको दूर कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट में इसके ऊपर भी थोड़ा नजर रखने की जरूरत है कि लड़कियों को भी सभी कंप्यूटर्स एंड अदर जो स्किल्स है उसको सिखाने की हम लोग कोशिश करें। और ये जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है ये ज़्यादातर यंग एडल्ट्स को भी अपने कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करेंगे, तो ये एक अच्छा वर्कफोर्स तैयार होगा और इनके जो ट्रांजिशन है फ्रॉम स्टूडेंट टू पेड वर्कर, स्टूडेंट टू एम्प्लॉयबल पर्सन की जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ होगा। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो अन्य मुद्दे भी हैं, न्यूट्रिशन से संबंधित और अन्य मुद्दे हैं, तो उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आज महिला विकास निगम, आज यहाँ उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हो, और महिला विकास निगम ने तो इनको कोई एक पैसा भी नहीं दिया है, ये अपने से सर्वे किया है और सब काम किया है, उनके डोनर्स अलग है, BMGF एंड पैकर फाउंडेशन ने इनको मदद किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, लेकिन ये जो रिजल्ट्स है ये हम सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो मैं एक अच्छा समाचार, एक अच्छा न्यूज, गुड न्यूज भी आपको देना चाहूंगी कि महिला विकास निगम ने एडोलेसेंस के लिए काफी करीब 1.5 साल से हम लोग काफी सीरियस है इस मामले को लेके और गहन विचार विमर्श चल रहा है। तो यूनिसेफ आगे आया और यूनिसेफ ने हमको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि हम सपोर्ट करेंगे। तो एक एडोलेसेंट्स के लिए, एक कुछ किशोरियों के लिए हम लोग एक सेल खोलने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी शुभ समाचार है आपके लिए। इसके अंदर हम लोग ये जो विभिन्न विभागों के मुद्दे हैं उसको मिलाकर एक कन्वर्जेंस मोड में काम करने की कोशिश करेंगे, और तालियां तो बजाइए आप लोग, सेल हम लोग खोल रहे हैं, जो सारी समस्याएं सामने आए हैं उसको लेके उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग, इसमें बहुत मजबूती से काम करेंगे, खास करके जो चार वर्टिकल्स की बात हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है एडोलेसेंस के लिए, जिसके वजह से स्कूल ड्रॉप आउट इसीलिए ज़्यादा होता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इश्यूज है, टॉयलेट फैसिलिटीज है, तो ये सारे इश्यूज है। ये जब तक चार पांच लोग, चार पांच विभाग मिलकर कन्वर्जेंस मोड में काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर लगातार बैठके नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, फील्ड में जाके देखेंगे नहीं क्या हो रहा है, तब तक ये सारे समस्या केवल हम लोग इसी तरह कार्यशाला करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करके ये कदम, एक कारगर कदम उठाने के लिए महिला विकास निगम ने ठान लिया है, और उसके लिए आपके जो फाइंडिंग्स हैं बहुत कारगर साबित होंगे, और आगे भी जब हम बेसलाइन, ये इसको हम लोग बेसलाइन भी मान सकते हैं। तो आफ्टर 3-4 ईयर्स जब हम लोग एक मुकाम तक पहुँचते हैं, जरूर आप लोग फिर हेडलाइन करिएगा, तो फिर पता चलेगा कि कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने हद तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक गुड न्यूज है आज। उसके साथ फिर चाइल्ड मैरिज एंड दहेज, ये दोनों मामले भी बहुत इंटरलिंक्ड है और एडोलेसेंट्स को और यंग एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कल हम लोग स्टोरी सुन रहे थे, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद क्रीना देवी जी ने कल जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक वर्कशॉप हुआ था इसके बारे में, बच्चों के जो वर्ल्ड बाल विश्व बाल दिवस के लिए के इसमें हम लोग का सब लोग मिले थे कल, तो वहाँ भी उन्होंने पूरा अपना लाइफ के स्टोरी को नैरेट किया और कैसे एक चाइल्ड मैरिज उनको करने के लिए मजबूर किया गया फैमिली के द्वारा, इसके बावजूद भी कैसे वो बहुत ज़्यादा विल पावर एंड डिटर्मिनेशन से
अभी तक इस मुकाम तक पहुंची है, उन्होंने अपने कहानी, तो इस तरह की कहानी बिहार में प्रत्येक महिला का होगा। आई एम वेरी श्योर, हमारे माननीय मंत्री जी भी हमेशा बताती है कि कितना स्ट्रगल करके उन्होंने आज इस मुकाम तक पहुंचा। तो जरूरत इस बात की है कि चेयर मैरिज को रोके। बहुत कम लोग होंगे, माननीय मंत्री जी है, रीना देवी जी है, और बहुत सारे जो महिलाएं हैं जिनको, जिनके अंदर इतना विल पावर है, लेकिन सभी लोगों को विल पावर नहीं हो सकता, इतना विल पावर नहीं होगा या इतना स्ट्रगल करने की क्षमता नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। उसके लिए सरकार, एक सरकार को एक स्ट्रक्चर सिस्टम बना के, माहौल बना के उनको सपोर्ट करना होगा। उसी के लिए ये सारे जो कवायद हम लोग कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज डाउरी के बारे में, तो ये सब उसी के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है, उनको सपोर्ट करने के लिए, ऐसे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ सरकार खड़ी है, साथ में खड़ी है, ये बताने के लिए है। तो ये जो कैंपेन है हम लोगों का शुरू हो चुका है, अब सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, लगातार एवरी डे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, दूसरे दिनों पे आज भी वर्कशॉप चल रहा है, तो जिलों में भी हम लोग आगे जाके वर्कशॉप्स करने वाले हैं, और जन जन तक, पंचायत तक, गांव तक पहुंचने की कोशिश है, विभिन्न माध्यमों से पहुंचने की कोशिश है, ये सब कोशिश लगातार चल रहा है। लेकिन आप जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, तो आप भी इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, इस अभियान को आगे ले जाने में आप अपने तरफ से योगदान कर सकते हैं। तो ये सारे एक मुद्दे एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है। आज ये कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी है, आपने मुझे प्रीफेस लिखने के लिए भी मौका दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज ये जो आपकी फाइंडिंग्स है, सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, और हमारे खास करके चार पांच जो विभाग है, इम्पॉर्टेंट विभाग, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और जो हमारे, हम लोगों के आगे स्ट्रेटजी होगा वो राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। अब हम लोग